आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तराखंड में महातबाही आज की सबसे बड़ी खबर है। तस्वीरें जो जो सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। महातबाही में भारी नुकसान की आशंका है। हालांकि आंकड़ा अभी तक कुछ भी शासन या प्रशासन की तरफ से साफ नहीं किया गया है। लगातार एक एक अपडेट, एक एक जानकारी और एक एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर दुख जाहिर किया है, साथ ही साथ संज्ञान लेते हुए इस मामले का। कहा यह जा रहा है कि आपदा सचिव के साथ हेलीकॉप्टर से इस पूरे नुकसान का जायजा आप लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है, ये मुख्यमंत्री के जरिए बताया गया और कहा गया कि किसी भी तरह से अफवाहों पर ध्यान ना दें। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी ही देर पहले बीजेपी विधायक का महेंद्र प्रसाद से हमारी बातचीत हुई, खुद मौके पर पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है और अगर जरूरत पड़ी तो सेना को भी बुलाया जाएगा, सेना के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा राहत बचाव के लिए। लेकिन लगातार जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये वो बताने और दिखाने के लिए काफी हैं कि तबाही कितनी बड़ी है। अब क्या हुआ, पूरी खबर आप जान लीजिए। ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा टूटा है, धौली नदी में गिरा है और यही गिरने से बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद नदी का पूरा पानी तेज बहाव के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, भारी तबाही कर रहा है। नदी के किनारे जो घर मौजूद थे सबको बहाते हुए साथ ले गया। और जो बड़ी जानकारी संवाददाता धर्मेंद्र हम तक पहुंचा रहे हैं वो ये कि वहां कई कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, टनल बनाने का काम चल रहा था, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था, पावर प्रोजेक्ट में कई लोग वहां पर काम कर रहे थे। हालांकि लोग हजारों की संख्या में लोग रोज काम करते हैं, आज संडे की वजह से हो सकता है मजदूरों की संख्या कम हो, लेकिन अभी आंकड़ा सामने नहीं आया है। तस्वीरें आप देखिए, भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। कृपया ध्यान दे सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर, देख लीजिए चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा, कृपया वो ध्यान दे, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहाँ तक भी है जल्दी से जल्दी ध्यान दे, कृपया संभलने का प्रयास करे, श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग, चमोली यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं पूरा तरह से तबाही मचती हुई, इस समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से ऊपर तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से ही पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय ये हो रही है। इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से। दिन दोपहरी धूप खिली हुई है, स्थानीय लोग हैं वहां पर, वो लगातार इन वीडियोस को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोग अलर्ट पर रहें, लोग सुरक्षित बच पाएं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि लोग अवेयर होकर कम से कम अपनी जान बचा पाएं। और जिस बहाव को हम देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ते हुए, कई जो ग्रामीण हैं, कई जो निचले इलाके में रहने वाले घर हैं उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन बीजेपी विधायक महेंद्र कह रहे हैं कि वहां से लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया। धर्मेंद्र एक बार फिर से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर। धर्मेंद्र, इस भारी तबाही को देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी तरह से अफवाह ना फैलाई जाए और बीजेपी विधायक महेंद्र कह रहे हैं कि कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, आपके पास क्या अपडेट है? धौली गंगा जो है Thank you.
देखिए, जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि वहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन कितना नुकसान हुआ होगा ये भी बाद में पता चलेगा। तो दो जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनमें ये काफ़ी नुकसान हुआ है, और जो ऋषि गंगा का बांध है वो पूरी तरह से इसमें ध्वस्त हो गया है। तो बड़ी अपने आप में घटना है, और उसका असर यही है कि पूरे जो आसपास के जनपद हैं, वो रुद्रप्रयाग की बात करें, ऋषिकेश की बात करें या हरिद्वार की, तो वहाँ के जिलाधिकारियों ने पूरे जो गंगा किनारे के रहने वाले लोग हैं उन्हें वहाँ से हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अलर्ट पूरे जनपद में जारी कर दिया गया है, और मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचने की उन्होंने बात कही कि हेलीकॉप्टर से उसका दौरा करेंगे, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है SDRF की 3 जो टीम है वहाँ पर मौके पर पहुँच गई है। जो जिलाधिकारी हैं चमोली के, जिलाधिकारी, SP और पूरी जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुँच गया है, और रेस्क्यू का कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो तस्वीर जारी की गई है, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए गए हैं, तो उससे भी काफ़ी लोगों को फायदा पहुंचा है। पूरे प्रदेश में एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशासन के हाई अलर्ट से पहले और पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि श्रीनगर तक ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है कि कभी भी कोई भी मदद पहुंचाने की जरूरत हो सकती है। धर्मेंद्र, आप रहिएगा, ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। चमोली में ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा फटा, धौली नदी में गिरा, नदी का बांध टूटा और नदी का पानी पूरे गांव में फैलते हुए यहां से कई गांव के किनारे से निकल रहा है, और ये गांव के किनारे से निकल रहा है तो कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लगातार राहत बचाव का काम चल रहा है। कहा ये जा रहा है जो घर मकान आप देख रहे हैं यहाँ से लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं 2013 की आपदा याद आ रही है केदारनाथ में, जब भारी नुकसान हुआ था, हजारों लोगों की जान चली गई थी। हालांकि कितना जानमाल का नुकसान है ये अभी प्रशासनिक टीम यहाँ पर नहीं बता रही आधिकारिक तौर पर, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। SDRF NDRF की टीम मौके पर पहुंची हुई है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, और कहा यह जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना को भी बुलाया जाएगा। केदारनाथ में हमें याद है जब आपदा आई थी, भारी तबाही की तस्वीरें थी, भारी तबाही के निशान हर तरफ देखने को मिले थे, सेना को भी वहां ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। और डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी नंद किशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे, राहत बचाव कार्य कैसे चल रहा है, आगे कितनी देर तक चलेगा, आपका आंकलन क्या कहता है? यहाँ पे बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है जी, राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। सर, कब की घटना है, कितनी देर पहले टीम पहुंची, क्या नुकसान हुआ है? ग्लेशियर टूटने के कारण एक डैम के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। पानी वहाँ से नीचे वो निकल चुका है, हमने सभी अपने गढ़वाल के जो भी घर है उनको अलर्ट कर रखा है। सर, जो घर देख रहे हैं हम तस्वीरों में जहाँ से ये मलबा बह रहा है आगे, उन घरों में लोग थे, उसका आकलन किया जा रहा है। अभी हम वहाँ पे टीम पहुँच रही है, जैसे कोई सूचना है हमको जब प्राप्त होती है तो हम आपको डिटेल जानकारी बाद में दे पाएंगे। जो टीम पहुँची है उन्होंने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया है क्या? अभी वहाँ पे ऐसा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसे संपर्क होगा तो हम आपके लिए सूचित करेंगे। सर, क्या सेना की जरूरत हो सकती है, सेना के हेलीकॉप्टर्स बुलाए जा सकते हैं? हम हमारे पास जहाँ पे प्राइवेट हेलीकॉप्टर है हम उसकी सेवाएं ले रहे हैं। हाँ। अब सर, अब जो तस्वीरें हैं देखकर रूह कांप रही है, 2013 का केदारनाथ में हुई आपदा याद आ रही है, क्या ये वैसी ही आपदा है? नंद किशोर जी हमने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, हो सकता है कि बहुत ज्यादा बिजी इस वक्त होंगे आप, क्योंकि जो तस्वीरें हैं ऐसे में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रेस्क्यू टीम के लिए भी होता है वहां पर चीजों को बेहतर करना और वहां से लोगों को सबसे पहले जान बचाकर सुरक्षित निकालना। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पीछे से, अगर आप देखेंगे टीवी स्क्रीन के कोने से, जहां से मलबा बह रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, मिट्टी मलबा सब साथ में बह रहा है, और ऐसे में घरों को नुकसान पहुंचा है, और सबसे बड़ी बात हजारों मजदूर यहाँ रोज काम करते थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर सुनामी आ गई है। तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, जहां ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा टूटा है, धौली नदी पर ये टुकड़ा गिरा है, बांध टूट गया और डैम टूटने के बाद तमाम पानी गांव में बह गया है, और एक के बाद एक कई गांव से बहते हुए ये पानी आगे बढ़ रहा है। पानी के साथ साथ मलबा घर लोगों तक के बहने की खबर है, लेकिन कोई भी आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है।
उत्तराखंड के चमोली से बहुत बड़ी खबर। गांव रेड़ी है यहां पर, जहां पर अचानक से ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा गिरा और फिर भारी तबाही के साथ लगातार ये मलबा आगे बढ़ रहा है। बीजेपी विधायक जो स्थानीय लोग हैं वो तो डरे हुए हैं। बीजेपी विधायक का महेंद्र प्रसाद का कहना है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मुख्यमंत्री खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। 100 से ज्यादा आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और अब बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया जाएगा, यह प्रशासन का दावा है। लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है, लोगों के बहने की खबर है, लोगों के दबने की